मेरा नाम VS कदम है, मैं इस एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ और मैं CRPF में से रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ पे जो हमारा जो डिमांड है, वन रैंक वन पेंशन, और 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए उनको पेंशन नहीं, उनको पेंशन दिया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए, और आर्मी को जो भी फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी हमें भी दिया जाए। जब मोदी सरकार पावर में आने के पहले हमें बताया गया था भाई, हम जैसे पावर में आएंगे आपको सारी सुविधा जो आर्मी को मिलता वो दिया जाएगा। लेकिन अभी 4.5 साल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ वादा करते गए और मुकरते जा रहे हैं, अब तक कुछ भी नहीं किया। हम चाहते हैं कि 2019 जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारा बात सुनेगा और हमारा सारा डिमांड्स मान लेगा, हम उसी को वोट देंगे। मेरे को रिटायरमेंट हो गए 10 साल हो गया। 10 साल? हाँ, 10। 25 मिलता है। 25? हाँ। वो टाइम से मिलता है या फिर नहीं? नहीं, वो तो पेंशन तो टाइम से मिलता है, लेकिन आर्मी वालों को जैसा मेरे को 25 मिलता है, मेरा ही रैंक वाला कोई होगा उसको 40 मिलता है, जो इतना डिफरेंस क्यों है? हमें भी उतना ही मिलना चाहिए जो आर्मी वालों को मिलता है, जबकि आर्मी वाला बॉर्डर पे नहीं है। बॉर्डर पे तो BSF, CRPF, ITBP यही है, इन्हीं लोग काम कर रहे हैं, तो हमें भी वही सुविधा मिलना चाहिए जो उनको मिलता है। सर, आप किस डिपार्टमेंट में? CRPF से सर, CRPF से, वेस्ट बंगाल से आया। रिटायरमेंट 2016 में। पेंशन 2016 का लास्ट में आया। सरकार से वन पेन वन रैंक चाहिए हमारा, उसके बाद हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी वो चाहिए, उसके बाद हमारा जो रेलवे कंपार्टमेंट चाहिए हमारा लिए, सेना के लिए है। हमारा एक ही ड्यूटी करता हूँ, लेकिन हमारा कोई ट्रेन में घुसने नहीं देता है, गवर्नमेंट नहीं देख रहा है, तो और भी हमारा और भी बहुत मांग है, जो मांग लेके हम लोग आंदोलन चल रहा है और आगे भी और भी आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगा तब तक आंदोलन चलते रहेगा हमारा। मैम, आप? हम लोग भी कलकत्ता से आए, हम लोगों का मांग है जो अपना इधर आज जो चल रहा है मीटिंग। किस डिपार्टमेंट में थे? मेरे हस्बैंड एक CRPF है। हाँ, रिटायरमेंट हो गया अभी 5 ईयर्स हो गया। अभी हम लोग इधर अपने आज जो मांग है इसके पूरी करने का इधर आए हैं, जो अपना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। जितना भी मांग है आर्मी का, जैसे भी फैसिलिटी मिलते हैं, हम जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको भी ऐसा ही सेम फैसिलिटी होना चाहिए, और सबको अच्छे के लिए हम लोग सोचते हैं। 19 का जो इलेक्शन है, हम लोग सोचेंगे गवर्नमेंट को वोट देंगे या नहीं देंगे, अगर फैसला जो है अपने तरफ आएंगे तो हम लोग सोचेंगे गवर्नमेंट को फेवर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ जी, मैं CRPF से हूँ, हेड कांस्टेबल रिटायर हूँ, 2001 में रिटायर हुआ था। आर्मी की बनस्पत हमारी बेसिक जवानों की पेंशन भी पे भी बहुत कम है, कैंटीन में GST सुविधा नहीं है, GST में छूट बिल्कुल नहीं है। 2004 में जो जवान भर्ती हुए हैं हमारी फोर्स में, उनकी पेंशन बंद है और पेंशन में बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है हमारी। हमारे साथ के जो पंद्रह साल आर्मी से पेंशन आए, उनकी 25,000 के लगभग पेंशन है, और हम 22-23 साल सर्विस करके आए, हमारी 14,000 समथिंग है। सर, मैं बेंगलोर से आया हूँ, मैं रिटायर्ड हवलदार सोम सुंदर करके। सर, हमारी मांग तो पूरा ही हुई है, वन रैंक वन पेंशन है, CGHS का स्पेशलिटीज है, और जो 2004 से जो भर्ती हुए जवानों को पेंशन तक नहीं मिल रहा है। रोज तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जितने मणिपुर में जितना CRPF मर रहे हैं उनकी तरफ कोई नहीं ध्यान रहा है। जो को काम कर रहे हैं आर्मी आर्मी आर्मी, यहाँ तक जितने मिनिस्टर है, जितना यहाँ तक हमारा गृह मंत्री को पैरामिलिट्री कौन सा, मिलिट्री कौन सा, अभी तक उनका व्यत्यास नहीं मालूम दे रहे, बात कर रहे, सेना को बहुत कुछ कर दिया। हाँ, डेली आप लोग मीडिया वालों ने पेपर में रोज लगा रहे, पैरामिलिट्री को धमाका, पैरामिलिट्री को बम्पर देगा तो कुछ नहीं है। आपको मीडिया वाले भी थोड़ा सा उजागर करना चाहिए, ये पैरामिलिट्री जवानों को कुछ नहीं मिलता है, जहाँ देखो हम मुंह छुपा के जाना पड़ता है, कोई CSD का कोई वो नहीं है, स्पेशलिटीज नहीं है, वन रैंक वन पेंशन में जितने वो आर्मी का जो सिपाही है या का हमारा सूबेदार DSP से रिटायर्ड होते हैं उनका बराबर नहीं है। इसलिए हमारे मांग को जो पूरा करेगा उनको हम वोट डालेंगे। ये इतना मांग अभी तक तो बोला हुआ है, मैं CRPF का हूँ, हवलदार से रिटायर्ड हूँ, कर्नाटक बेंगलुरु से आया हूँ। हाँ,
इस सरकार से दावा करता है पैरामिलिट्री को आप इतना नीचे देख रहा है तो आप ये सड़क में खड़ा किया हुआ पैरामिलिट्री को और अपना बंगला में खड़ा प्रोडक्शन किया हुआ जवान को हिंदुस्तान का कोने कोने में खड़ा किया हुआ हर पैरामिलिट्री का पोर्स को ये कप्ता आप छुट्टी दे करके देख लीजिए जब पता चलेगा पैरामिलिट्री का पोर्स का कितना ताकत है बोल करके। आज पैरामिलिट्री का पैरामिलिट्री से NSG STG हर एप CRPF BSF और अन्य पोर्स खड़ा किया हुआ आप इसका आप पैरामिलिट्री से हर काम करते हुए ये पैरामिलिट्री को कोई भी एक नया पैसा कभी आप फैसिलिटी ना देते हुए हमारे लिए धोखा दे रहा है। इस सरकार को हम दावा करते हैं आज 3 राज्यों का चुनाव को आप नतीजा देखा हुआ है आने वाला चुनाव में आपको यही नतीजा देखना पड़ा है। सब मोदी जी प्रधानमंत्री से हम दावा करता है मोदी साहब हमारा तरफ आप थोड़ा सा देख करके देख लो इस सब हम लगातार आंदोलन करते आया हुआ है आप लेकिन आपने हमारा तरफ आगे का कुछ भी दे नहीं देख रहा है। आप रक्षा मंत्री मिलिट्री वाला का आप सर का बात सुनना है तो आप उस सीट में उस जगह में उस इसमें क्यों बैठा हुआ है। आप आइए हमारा बात सुनिए आप आज अच्छे अपन जवान से लेकर के महिला से लेकर के 80 साल 90 साल बुढ़ा तक यहाँ आकर के रो रहा है सिर्फ हमारा छोटी सी मांग है बड़ा सा मांग नहीं है। मोदी साहब आपको हमारा मांग बड़ा भी नहीं है छोटा मांग है आइए सुनिए जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय। सर सबका नमस्कार मैं कर्नाटक से आया हूँ मेरा नाम हवलदार सिद्धेशप्पा है। हमारे मांग है वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन सभी को पेंशन मिलना चाहिए वो ऐसा मिलना चाहिए जो आर्मी वालों को आप लोग देते हैं जैसे आर्मी वाले 70 साल सर्विस करके फुल पेंशन लेते हैं वही हम लोग 20 साल 22 साल पूरा 40 साल करने से भी हमको पेंशन नहीं मिलता है। ये क्यों एक अंक में चुना एक अंक में दूध ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए आप लोगों को उम्मीद आप लोगों को मनवी देता है आप लोगों को मनवी करते हैं जैसे अभी जो 2004 से जो भर्ती होते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स में जो भी जवान भर्ती होते हैं जवान में और ऑफिसर हो उनको पेंशन क्यों नहीं मिलता है। उन्हीं का पैसा से काट के लास्ट में आते समय 4 लाख 10 लाख जो भी देते हैं वो पैसा हमारे ही पैसा हमको दे के मुँह चुप करा देते हैं। इसलिए साहब हम भी बॉर्डर में रहते हैं बॉर्डर वाले मिलिट्री वाले बॉर्डर में नहीं रहते हैं जैसे CRPF BSF CA सभी बॉर्डर में जैसे कोई राज्यों में हल्ला होता है दंगा होता है उसमें भी ये सब CRPF जाते हैं जैसे बॉर्डर में युद्ध दंगा चलता है उसमें भी आर्मी के साथ हाथों में हाथ मिलाते हैं। इसलिए हमको भी आर्मी का दर्जा देके हमको भी पेंशन लागू कर लिया जाए। इसलिए जय हिंद जय कर्नाटक माता।